कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के शोक में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही इस दुख की घड़ी में शहीद हुए जवानों के परिवारजनों को साहस देने के लिए प्रार्थना भी की। हमारे साथ में माननीय शिवपाल यादव जी हैं, तो जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, इसका क्या कहना है? देखिए, हम लोग बहुत दुखी और इस घटना की जितनी भी निंदा की जा रही है, वैसे तो पूरा देश आज दुखी है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शहीदों के परिवारों के साथ और उन परिवारों के साथ सरकार को पूरी पूरी मदद आर्थिक मदद पूरी जिम्मेदारी देने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर सरकार को और पूरा अधिकार सेना को मिलना चाहिए। क्या किसी का इस्तीफा भी होना चाहिए उसका? देखिए, ये तो बात की बात है, आज हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते और इसमें इस घटना में पूरे देश और हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक ही होते हैं। प्रधानमंत्री से कुछ अपील करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को बहुत ही गंभीरता से लेकर के और पूरे सेना को अधिकार भी मिलना चाहिए और जितने शहीदों को परिवार को पूरी जिम्मेदारी देना चाहिए, आर्थिक मदद से लेकर के उन परिवारों को सभी सुविधाएं देना चाहिए। यहाँ पर पार्टी कार्यालय में शोक सभा का भी आयोजन किया गया उनके पार्टी के द्वारा और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए वो लिखे यहाँ पर।